पार्टी में देखी गई थी सोनाली फोगट, जबरन कुछ पिलाया गया था, गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगट की मौत पर अहम खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनाली फोगट को जबरदस्ती ड्रग पिलाया गया था। गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली के पोस्टमार्टम के बाद हमने पूरी मामले की जांच शुरू की है। आईजी ओमवीर सिंह ने कहा है कि सोनाली फोगट के भाई की शिकायत के बाद हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और हमने सभी के बयान लिए, उन जगहों का दौरा किया जहां वे गई थी, आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में हमने पाया कि सोनाली फोगट को जबरदस्ती कोई ना कोई पदार्थ दिया गया था। गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर ने कहा है कि सोनाली फोगट को जबरदस्ती ड्रग पिलाया गया था जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। सुबह 4:30 बजे जब वो कंट्रोल नहीं कर पाई तो आरोपी उसे शौचालय में ले गए थे। 2 घंटे तक थे, उन्होंने क्या किया इसका आरोपियों ने जवाब नहीं दिया है। हमने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी ओमवीर सिंह ने कहा है कि आरोपियों से पूछताछ हो रही है और उनको फॉरेंसिक टीम के साथ मौकाए वारदात पर ले जाया जा रहा है। हमें लगता है कि जो ड्रग उन्हें जबरदस्ती पिलाया गया था उसी से उनकी मौत हुई है। उस पार्टी में 2 लड़कियां भी थी जिनकी पहचान कर ली गई है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी हाँ, अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सोनाली फोगट की जो मौत हुई है वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, उनको मारा गया है।